कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत नहीं हुई। क्या सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को? सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। क्या करते हैं, क्या कहेंगे, परेशानी हुई सर? कोई परेशानी नहीं, हम किसानों किसानों के साथ में, कोई परेशानी नहीं है। धैर्य से लगे रहो, इनका दिमाग ठीक करके घर आइयो, घर का काम हम देख लेंगे। जाएंगे दिल्ली के, ये लोग ये ना कहे की बॉर्डर के ऊपर गंदगी डाल दी है, इसी मारे सफाई करके जा रहे हैं। इसी तरह से मोदी जी की सफाई करने वाले हैं। पानी पिया, लंगर चखा, सब शांति से गए, सब साथ हैं। लगता है सरकार सुन लेगी? वो तो लोग तो कह रहे थे, तो सोचिए सब चार घंटे में आठ घंटे में रुकेंगे। वो तैयार थी, पूरी जनता हमारे साथ है, पूरा सहयोग कर रही जनता हमारे। अरे भाई जन आंदोलन होता है, किसानों का आंदोलन नहीं, अब जन आंदोलन यात्रियों को यहाँ पर पानी की सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं। क्या कहेंगे, परेशानी हुई सर? कोई परेशानी नहीं, हम किसानों के साथ में, कोई परेशानी नहीं है, हम किसानों के साथ में हैं, कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत नहीं। क्या सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को? सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को। क्या कहेंगे, सरकार से सुननी नहीं है? किसानों के साथ है, सरकार को मानना पड़ेगा। 100-200 करोड़ में नहीं सुननी, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, ये रोक के बात करो, रोक के करो। क्या हम ये कहेंगे, किसान है हम मजदूर है, बिल्कुल इनका साफ कहना है की ये किसान है और हम मजदूर है। यहाँ पर सेवाएं दी गई थी और अब सफाई का काम किया जा रहा है। क्या जो आज लंगर चला था, तो उसके पंडल है, चाय के कप है, वो अब हम साफ सफाई भी कर रहे हैं। हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज बनता है, ये लोग हमारा है, हम इसको साफ सफाई।
सफाई करके जाएंगे। दिल्ली के ये लोग ये ना कहें कि बॉर्डर के ऊपर गंदगी डाल दी है, इसी मारे सफाई करके जा रहे हैं। इसी तरह से मोदी जी की सफाई करने वाले हैं। गंदगी नहीं फैलाने आए हैं दिल्ली की सड़कों पर या दिल्ली के बॉर्डर पर, और यहाँ जो भी हाईवे हैं तमाम उस पर सफाई का भी यहाँ पर खास ध्यान दिया जा रहा है, और पूरी तरीके से सफाई करके ही ये लोग यहाँ पे वापस जाएंगे अपनी अपनी जगहों पर जहाँ पर भी आंदोलन कर रहे थे। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार आंदोलन चल रहा है, और यहाँ पर जो किसान है उनका कहना है कि ये तीनों कृषि कानून की सरकार को वापस लेने पड़ेंगे, और नहीं लेगी तो हम लगातार इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने अपने 100वां दिन काले दिन के रूप में मनाया, और वो पूरी तरीके से विफल रहे हैं, सारे चक्कर बड़े आराम से जा रहे हैं। और क्या कहेंगे, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, आप देख रहे हैं सब लोग अच्छे हैं, सब ने ये खाना भी खिलाया, पानी पिलाई, चाय पिलाई, किसी को परेशानी नहीं आने दी है। दर्द हो रहा है वो सरकार से, सरकार की मर्जी है क्या करती है, हमारा विरोध दर्ज होना था। वो जिस तरीके से आपने एम्बुलेंस को गिरा कर हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल हमारा फर्ज बनता था, कोई मरीज है, कोई विदेश जाने वाला है, कोई परेशान है, तो उसको हम लोगों ने बता दिया है और देते रहे, वो भी हमारे परिवार के। आप देख सकते हैं कि साफ तरीके से जो किसान है वो समर्थन कर रहे थे सभी लोग का, किसी को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, कुछ घंटे लोगों को रुकना पड़ा, तो यहाँ पर जो ड्राइवर थे उन्होंने भी कहा कि हम मजदूर हैं और ये किसान हैं, हम इनका समर्थन करते रहेंगे लगातार, जब तक उन्होंने ये तक कहा कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे हम किसानों के साथ खड़े हैं।